हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ सुपर फाइव टुडे वी विल डिस्कस सिलोजियम सिलोजियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको टू टू थ्री क्वेश्चन सिलोजियम पे बेस्ड मिल जाते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सिलोजियम इंपॉर्टेंट है सभी ने अच्छे से करना है ओके सभी ने अच्छे से करना है तो लेट एस स्टार्ट विद द क्वेश्चन हाँ जी करें क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे अब जो फर्स्ट पॉइंट है सिलोजियम के अंदर वट इज इम्पोर्टेंट जब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलोजियम के क्वेश्चंस की इन दैट केस यू हैव सम स्टेटमेंट्स आपके पास में स्टेटमेंट्स होगी एंड यू विल आल्सो हैव सम कंक्लूजन नाउ द थिंग इज व्हाट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें देखने में क्या लग रही है दिज आर नोट्रू बट इन द डायरेक्शंस

ओके okay, तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ऑल रूम्स आर प्लॉट तो यहाँ पे ध्यान रखो जब भी ऑल आ रहा है तो उस केस के अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने इनसाइड कंसीडर करना है ठीक है कैसे क्या कहे ऑल रूम्स लेट अस से दिस इज रूम ठीक है ऑल रूम्स आर प्लॉट उसके बाद क्या करें ऑल मग्स आर बकेट अब यहाँ पे देखो यहाँ पे रूम और प्लॉट गिवन है यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे उस स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे जिसके अंदर क्या गिवन है रूम या प्लॉट गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास में दूसरी जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है ऑल प्लॉट इज बकेट ऑल प्लॉट इज बकेट तो प्लॉट को अंदर लेंगे तो क्या आ गया आपके पास बकेट अब उसके बाद में क्या कह रहा है वो सारे सारे ट है तो जैसी स्टेटमेंट है सिर्फ आप आपको उसी के अंदर ही उसको फिट करना है तो, पे मग और बकेट का है। तो हम बकेट को अंदर ही यहाँ पे क्या करेंगे मग्स को रिलेटर बैन डायग्राम अब बात आ रही है आगे कंक्लूजन की कंक्लूजन कर सम रूम इज बकेट सम रूम इज बकेट अब देखो ये वाला जो पार्ट है रूम का दिस ऑल इज अंडर बकेट सारा का सारा बकेट के अंदर है वो बकेट है दैट मींस की सम तो होगा हो ही होगा तो ये क्या हो गया आपके पास करेक्ट जब भी आपके पास आ जाता है सम इन दैट केस इफ ए लिटिल मींस यू कैन से इफ इट इज 0.001% है हाँ ना अगर इतना पार्ट भी आपको कॉमन मिल रहा है इन दैट केस सम का केस ट्रू रहेगा क्या रहेगा ट्रू रहेगा तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉमन बिटवीन रूम एंड बकेट क्योंकि पूरे का पूरा सर्कल बकेट का है तो सम का पार्ट क्या रहेगा ट्रू रहेगा दूसरा कह रहा है सम प्लॉट आर मग समो प्लॉट यहाँ पे है हमारे पास में मग यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ हमें कॉमन दिख रहा है नहीं दिखाई दे रहा दैट मींस कि ये क्या हो गया हमारे पास में रॉन्ग हो गया अब आपके माइंड में साफ-साफ एक और पॉइंट आ रहा होगा यस yes, एक पॉइंट और आ रहा होगा क्या कि मैम हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे बकेट तो मग के अंदर ही जो मग है मग तो हमने बकेट के अंदर ही रखना है। इसको हम ऐसे भी तो ड्रा कर सकते थे हम इसको ऐसे भी तो ड्रा कर सकते थे तब भी तो हो जाता और अगर हम इसको ऐसे ड्रा करते तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाता है ना तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज मिनिमम पॉसिबिलिटी केस मिनिमम पॉसिबिलिटी केस जो गिवन है सिर्फ वही ड्रॉ करना है आपने जो गिवन है सिर्फ वही ड्रॉ करना है और जो कंक्लूजन है उसी के बेसिस पे करना है हाँ अगर यहाँ पे आ जाता है क्या आपके पास में सम प्लॉट आर मग इज ए पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी

all football is basketball is basketball no basketball is cricket no basketball is cricket जब नो का रिलेशन देयर वन या वेरिएंट गिवन है तो हम क्या करेंगे उसको दूर रखेंगे और साथ में एक क्रॉस लगा देंगे दैट मींस कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और जब भी इस तरह का पॉइंट आता है तो उसमें ध्यान रखना है कि अगर आउटर के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है दैट मींस कि इनर के साथ में रिलेशन नहीं होगा ठीक है अब आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन नो फुटबॉल इज क्रिकेट नो फुटबॉल इज क्रिकेट अब जब दो हमारे पास में बास्केटबॉल है अगर बास्केटबॉल ही क्रिकेट नहीं है मीन्स ये वाला जो सर्कल है मेरा बास्केटबॉल का जब इसी के साथ में रिलेशन नहीं है तो अंदर वालों के पास में तो नहीं होगा है ना तो ये क्या हो गया हमारे पास में ट्रू ओके ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल अब पे देखो कि जो टेनिस का सर्कल है क्या वो बास्केटबॉल के अंदर है एंड हेयर यू कैन सी टेनिस इज इन साइड बास्केटबॉल दैट मींस दिस इज ट्रू ओके तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन ओनली ए फ्यू कोड इज ड्राइव अब देखो जब हम पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जैसे ऑल की स्टेटमेंट है दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट है सम है एक स्टेट फ्यू है एक स्टेटमेंट बट अगर हमारे पास में कहीं पे मिल जाता ओनली ए फ्यू ओनली ए फ्यू दैट मीन्स इन दिस स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट्स हिडन बट सम पोड इज ड्राइव सम पोड इज नॉट ड्राइव मीनिंग ये है कि सारे के सारे पोड ड्राइव नहीं है सारे के सारे पोड ठीक है तो यहाँ पे इसका सिंपल सा क्या है हमेशा ध्यान रखो अगर मिल रहा है मुझे ओनली ए फ्यू ओनली ए फ्यू सम मीन्स वोट सम्राइव कैसे ड्रॉ करोगे दिस इज पोड इज ड्राइव समीन्स कुछ पार्ट हम कॉमन रख दें ठीक एंड सम है एंड ये वाला जो पार्ट है हम कंसिडर कर लेते ये वाला ड्राइव नहीं है डन दूसरा है सम ड्राइव इज बोन्ड

अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे ड्रॉ तो किया था सम ड्राइव ये जो लाइन है फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट इसके अंदर ही ये वाला कंक्लूजन हिडन था क्या कि सम आर की ड्राइव तो ये दूसरा क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ओके यस नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा हां जी अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी जो न्यू यूजर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे हम आपको जो सुपर फाइव सीरीज है इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करवा रहे हैं कि हाँ पहले ये तैयार कर लो फिर ये तैयार कर लो अभी एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि क्या मैडम ये सफिशियंट है हमारे लिए सिर्फ जो हम आप क्वेश्चन करा रहे ये सफिशियंट है इन दैट केस आई विल से आई एम गाइडिंग यू कि कैसे आप कर रहे हो अभी पहले ये टॉपिक कर रहे हो इस टॉपिक के अंदर इसके कंसेप्ट क्लियर करो जो तो भी मैं टॉपिक्स आप लोगों को करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अब आप देखो क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो ठीक है आफ्टर क्लियरिंग द कंसेप्ट उस प्रैक्टिस करो मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी है ओके करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ऑल शिप इज गैस ऑल आल

ओके okay? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कंक्लूजन के अंदर सम शिप शिप आर हंट हंट कुछ है अब देखो शिप और हंट दोनों दूर दूर है अगर हम इनको अलग अलग से ड्रॉ करूं मैं तो यहाँ पे ये ये बेटा शिप है है आपके पास में ठीक और ये हंट का सर्कल है ये हंट तो क्या दोनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है दोनों दूर दूर है दोनों दूर दूर है दैट मीन वट कि अगर मुझसे कुछ भी पूछा जाए देयर शुड बी एनी कंक्लूजन रिगार्डिंग दैट दैट वट विल आई से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता देयर इज ए पॉसिबिलिटी है ना तो उस केस के अंदर अगर मुझसे कहा जाए कि नहीं मुझे कंक्लूजन विल बी रोंग सारे के सारे क्या रहेंगे आपके पास में रोंग रहे बट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी इस बात का ध्यान ओके okay? अब हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं अभी तक मैंने नहीं चेक किया कि, कि पे कंक्लूजन क्या है आते हैं क्या कह रहे हैं क्या कुछ शिप हंट है तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा अगर हम कहें क्या कि डेफिनेट कंक्लूजन ये रहेगा नहीं नो शिप इज हंट तो हम कहेंगे नहीं बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि यहाँ पे हमारे पास में दोनों वेरिएबल शिप और हंट की ही बात हो रही है यहाँ पे भी शिप और हंट की बात हो रही है ठीक है और दोनों दूर दूर हैं दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे यस yes, या तो कोई भी शिप हंट नहीं है या तो कोई शिप हंट है या तो नहीं है या तो है मीन्स कि दोनों को हम अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यस yes, इधर Either some are or no is थोड़ा सा उस में बोल के देखें, ठीक है? क्या आंसर के आ जाएगा? Either first or second. बोलो। अब कब लगाते हैं हम जब अगर हम सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को देखें तो वो क्या आ रही है बेटा आपके पास रोंग वन विल बी पॉजिटिव सेकेंड विल बी नेगेटिव द वेरिएबल शुड बी सेम एंड देर शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे इधर और इधर आंसर नहीं बनेगा क्या बनेगा इधर और ओके हाँ जी तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे नो पिग इज काउ नो पिग इज काउ अस से दिस इज पिग कह रहा है दिस इज नॉट काउ काउ ओनली फ्यू फ्यू काउ इज बेफेलो ओनली ए फ्यू काउ इज बेफेलो ठीक है तो यहां पे क्या कहेंगे हम फ्यू काउ इज बेफेलो फ्यू काउ इज नॉट बेफेलो है ना फ्यू काउ इज नॉट बेफेलो, सम बेफेलो इज लायन Some Some is 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 lion. 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 Now, what is the conclusion? Some cow is not lion. Some cow is not not so, कुछ cow lion नहीं है अब यहाँ पे देखो cow तो यहाँ पे है lion तो यहाँ पे है Then, how can I say, कि हाँ, कुछ lion और जो आपके पास में cow है वो नहीं है दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी इस तरह का कुछ गिवन नहीं है दोनों दूर दूर है हो भी सकता नहीं भी हो सकता ठीक है पॉसिबिलिटी तो बन रही है बट अगर हम डेफिनेट देखे तो नहीं बन रहा तो हम ओके? Okay? अब दूसरा पॉसिबिलिटी कह कि सारे के सारे बेफेलो की पिग होने की पॉसिबिलिटी है अब हमने देखा कि ये जो पिग है ये काउ नहीं है है ना देट मीन ये वाला जो पार्ट है ये क्या है भी भी है, है। कि सारे सारे होने की possibility है? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही दैट मींस दिस इज अगेन रॉन्ग और जब दोनों रॉन्ग है तो उस केस में एक बार हम ये चेक कर लेते क्या मेरे वेरिएबल सेम है यहाँ पे क्या है काउ लाइन बेफेलो पिग दैट मींस कि नीदर नोर बनेगा ओके okay? तो आंसर क्या बनेगा आपके पास नेदर नोर नेक्स्ट देखिएगा तो आई होप सभी को समझ आ रहा है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को कोई भी माइनर अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस तरह के हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं देन वेल एंड गुड ओके अदरवाइज सबसे पहले क्या करेंगे अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड आफ्टर क्लियरिंग द कंसेप्ट प्रैक्टिस करें सो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर की जरूरत है या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन दैट केस दिस लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेयर यू कैन चेक ओके अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्लास लेक्चर अवेलेबल हैं आप यहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो देर आर सिक्स क्लास लेक्चर अवेलेबल वेब नोट अवेलेबल हैं यहाँ से आप वेब नोट्स रीड कर सकते हो मल्टीपल चॉइस वन एट्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर अवेलेबल आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते ओके तो आई थिंक इट वॉज आल फॉर टूडे इट इज सफिशियंट फॉर टूडे डन तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पी के साथ में बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभी मन्यू आई है साथ में अगर कोई क्यूरी आती है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके तो बेस्ट ऑफ लक